जय हिंद स्टूडेंट वेलकम टू बायोलॉजी क्लास नाउ स्टूडेंट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट एक्सक्रीटरी व्हिच मेक अप एक्सक्रीटरी सिस्टम नाउ एज वी ऑल नो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नाउ किडनी जो है दैट इन किडनी ईच किडनी की अगर हम बात करें इट हैज़ नियरली वन मिलियन

ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्लो मेरुलस नाउ ग्लो मेरुलस क्या होता है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं दे दे इट् सेल्फ एंड दे फॉर्म अ नेट एक जाल बना लेती हैं ठीक है ठीके? जाल किसका होता है कैपिलरीज का होता है एज यू कैन सी इन द फिगर नाउ दिस पार्ट इज योर ग्लो मेरुलस ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है आपको दिस इज ग्लो ओके एंड दिस कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज बाउमेंस कैप्सूल उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ना ये जो ग्लैमर ये जो ग्लो बनता है ये बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं आपस में आपस में एक दूसरे के साथ जैसे नहीं उलझ जाती हैं एक मेस लाइक स्ट्रक्चर एक जाल जैसा बना लेती हैं ओके ना देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टील जो रीनल आर्टरी है दैट इज डिवाइडेड इन टू आर्टील्स और पतली कैपी और पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है दैट इज़ आर्टी सो एफरेंट एंड ईफरेंट आर्टील्स दो तरह के आर्टीओल्स जो हैं जो कि एफरेंट आर्टियोल जो है इट इट एंटर्स इंटू द ग्लो मेरुलस ग्लो मेरुलस के अंदर जो आर्टियोल एंटर होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टील दिस इज़ नोन एज एफरेंट आर्टील और ग्लो मेरुलस के ब, से बाहर जो आर्टी निकलता है दैट इज़ नोन एज ईफरेंट ये बाहर निकल के एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं वासर रेक्टा नाउ व्हाट इट इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स ओके अभी सिर्फ आपको समझना है दो तरह के आर्टीओल्स जो हैं बाउमन कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं तो फर्स्ट इज योर एफरेंट आर्टियोल जो कि बाउमन कैप्सूल में एंटर करता है द नेक्स्ट इज योर इफरेंट आर्टियोल जो जो कि बाउमन कैप्सूल को लीव करता है उसमें से बाहर निकलता है अलोंग विद द ब्लड ओके नाउ नेक्स्ट ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑफ योर दिस नेफ्रॉन दैट इज योर ग्लो मेरुलस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज रीनल ट्रिब्यूल नाउ रीनल ट्रिब्यूल जो है इट इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स बहुत सारे पार्ट्स मिल के रीनल ट्रिब्यूल बनाते हैं ना द फर्स्ट पार्ट इज़ बाउमिन कैप्सूल ना दिस यू कैन सी दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर ये कैप लाइक -like जो स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस को कवर करता है चारों तरफ से ओके okay, आप देख रहे हो सो दिस इज नोन एज बाउमस कैप्सूल ओके इट इज डबल वॉल्ड एपीथीलियल ये कौन से सेल से बना होता है एपीथीलियल सेल से बना होता है ये आपको याद रखना है ओके एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी जो किडनी का काटिकल रीजन होता है कॉटिक्स क्योंकि किडनी में मैंने बताया था दो पार्ट्स होते हैं एक कॉर्टिकल एक मेडुला जो जो आउटर पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज कॉर्टिकल रीजन इनर पार्ट इज़ नोन एज मेडूला रीजन सो कॉर्टिकल पार्ट में ये बाउमन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है ओके नाउ दिस बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दे टुगेदर दे टुगेदर नोन एज मालपीजियन कैप्सूल इसको हम क्या बोलते हैं इन दोनों को हम बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या फिर मालपीजियन कैप्सूल ये याद रखिएगा मालपीजियन कैप्सूल किससे बना होता है बाउमिन कैप्सूल प्लस ग्लो नाउ नाउ फर्दर दिस बाउमिन कैप्सूल इट कंटिन्यूज इन टू अनदर ट्यूब लाइक हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पी सी टी दैट इज़ प्रोक्जिमल कॉन्वल्यूटिड टिब्यूल ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ये भी कॉटिकल रीजन में प्रेजेंट होता है ओके नाउ दिस इट इज़ अयर नाउ दिस पी सी टी दिस प्रोजिमल कॉन्वल्यूटिड टिब्यूल इट नाउ लीड्स इन टू अ हेयर पिन शेप्ड जो हेयर पिन होती है यू शेप्ड की जो पिन होती है इन दैट फॉर्म देयर इज़ अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज लूप ऑफ हेनले हैंले इज़ लूप ओके okay, सो so, ये पी सी टी इट इज़ इट 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 कंटिन्यूज इन टू लूप ऑफ हेनले विच इज़ अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिब्यूल एंड इट इज़ शेप स्ट्रक्चर इसमें एक डिसेंडिंग लिम्प होता है एक असेंडिंग ये जो फर्स्ट लिम्प होता है दिस इज़ द डिसेंडिंग लिम क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है एंड दिस इज द असेंडिंग लिम ये दो लिम्स होते हैं किसमें लूप ऑफ हैंनले में ना ऑन दिस लूप ऑफ हैंनले इट कंटिन्यूज अनदर इन टू अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसको हम बोलते हैं डिजटल कॉन्वल्यूटेड ट्रिब्यूल दैट इज़ डी सी टी ओके ना दिस डिजटल कॉन्वल्यूटिड ट्रिब्यूल एज यू कैन सी जस्ट वेट ना दिस इज़ योर पी सी टी सॉरी दिस इज योर पी सी टी प्रोक्सिमल कॉन्वेल्यूटेड ट्रिब्यूल ओके दैन दिस इज योर लूप ऑफ हैंनले एंड दिस इज़ योर डिजिटल कॉन्वल्यूटेड ट्रिब्यूल नाउ दिस डिजिटल कॉन्वेल्यूटेड ट्रिब्यूल इट इट ओपन्स इंटू अ स्ट्रेट ट्यूब जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक नाउ दिस इज़ द कलेक्टिंग डक वेयर द आफ्टर फिल्ट्रेशन द यूरीन इज कलेक्टेड एंड दिस कलेक्टिंग डकट इट मैनी ऑफ बहुत सारी कलेक्टिंग डग्स होती हैं जो कि फाइनली फाइनली दे ओपन इन टू अ रीनल पेल्विस जो रीनल पेल्विस मैंने बताया था इन द मेडुलरी रीजन रीनल पेल्विस में ये ओपन हो जाते हैं एंड इन इन द मेडुलरी रीजन इन द केलेक्स केलेक्स का जो रीनल पेल्विस का जो रीजन होता है केलिक्स अगर आपको याद हो नो इट इज़ नॉट हेयर वो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था सो so, uh, जो रीनल uh, uh, जो रीनल पेल्विस जो है केलक्स प्रेजेंट होते हैं जो पिरामिड्स ओपन होते हैं केलक्स में ओके एंड केलिक्स फाइनली दे ली दे ओपन इन टू अ रीनल पेल्विस तो जो जो भी कलेक्टिंग डक्ट होती है दैट फाइनली सारे कलेक्टिंग डक्ट्स दे कन्वर्ज दे कन्वर्ज एंड दे ओपन इन टू अ रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पेरेमिड्स इन द केलिक्स मेडुलरी पिरामिड से होते हुए केलक्स में ये ओपन हो जाते हैं ओके नाओ दिस मालफीजियन कैप्सूल दैन योर दैट इज योर ग्लोमेरुलस एंड योर रीनल ग्लोमेरुलस एंड योर बाउमेंस कैप्सूल दैन पी सी टी प्रॉक्सिमल कॉन्विड ट्यूब्यूल दैन डी सी टी दैट इज डिजल कॉन्वलियुटिड ट्यूब्यूल दीज आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ये सब कुछ कॉर्टिकल रीजन में प्रजेंट होता है किडनी के सिर्फ लूप ऑफ हैंडले जो है दैट इज डिप्ड इन द मेडुलरी रीजन ओके मेडुलरी रीजन में ये प्रेजेंट होता है ये ये जो पार्ट होता है रीनल ट्रिब्यूल का लूप ऑफ हैंनले पार्ट इज़ प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन बट इन मेजोरिटी ऑफ द नेफरॉन्स दिस लूप ऑफ हैंडले इज़ शॉर्ट इज वेरी वेरी शॉर्ट ओके एंड इट एक्सटेंड्स ओनली लिटिल इन टू द मेडुलरी रीजन ठीक है बहुत ज्यादा उसका पार्ट मेडुलरी रीजन में नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि बहुत छोटा होता है कुछ नेफ्रॉन्स ओके okay? कुछ नेफ्रॉन्स में ये बहुत छोटा होता है तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ओके बट इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग एंड इट रंस डीप इन टू द मेडुलरी वो पूरी तरह मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है बड़ा होता है दैट्स वाई और ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स तो आपको याद रखना है दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द अदर इज जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ये दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं ओके okay? जिसमें से जो कॉटिकल नेफ्रॉन होता है उसमें लूप ऑफ हैंनले इज़ वेरी शॉर्ट एंड जो जिक्सट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें लूप ऑफ हैंनले इज़ लार्ज इज़ लॉन्ग सो इट 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 पेनिट्रेट्स डीप इनसाइड द मेडुलरी पार्ट मेडुलरी पार्ट के बिल्कुल अंदर चला जाता है okay so that is your juxta medullary nephron okay so uh, this is all about your the structure of nephron hope you all have understood so thank you everyone